साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, SOCl2 की रिएक्शन, और उसको बोला जाता है डार्सन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं रिएक्शन विथ SOCl2, रिएक्शन विथ SOCl2, यानी यहां पर क्या होगा, SOCl2 को बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड। इस थायोनिल क्लोराइड के साथ में कोई रिएक्शन होगी और इसको बोला जाता है, इस रिएक्शन को डार्सन प्रोसेस, इसको बोला जाएगा डार्सन प्रक्रम या आपका डार्सन प्रोसेस। चलिए देखिए क्या होता है, SOCl2 के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं जैसे एल्कोल की, तो एल्कोल की यदि रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोल में क्या होगा, कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन पढ़ी जाती है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें पढ़ी जाती है। इसमें होता क्या है, एल्कोल की अभिक्रिया जब आप करवाते हो थायोनिल क्लोराइड के साथ में, SOCl2 के साथ में, तो होगा यह है कि यहां पर एक आपका RCl बन जाएगा, ये आपका एल्कोहल है और इसको बोलोगे आप एल्किल क्लोराइड, और यहां से SO2 और HCl बाहर निकल जाते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा जो आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ, तो ये एल्किल क्लोराइड को प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि यहां पर जो आपके SO2 तथा HCl प्राप्त होते हैं ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, गैसियस प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हो गैसीय उत्पाद, ये दोनों होते हैं गैसीय उत्पाद होते हैं, और इसके मध्य जो ये रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म, इसका मींस हुआ इंटरनल भी बोला जा सकता है इसको, या इसको बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर, समझ गए, इंटरनल या इंटरमोलिकुलर बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोल सकते हो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई आपकी। चलिए देखना, यहां पर एक चीज नोटिस करना, यदि ये रिएक्शन SOCl2 के प्रेजेंस में होती है तो SNI मैकेनिज्म वहां पर होती है, और यदि वहां पर पीरिडीन अपन काम में लेते हैं तब वहां SN2 मैकेनिज्म होती है। वो किस प्रकार होती है, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा रिटेंशन इन कॉन्फ्यूगरेशन, इसका मींस जिधर से अटैक होना था उधर से अटैक होगा। प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होगा आपका, रिटेंशन इन कॉन्फ्यूगरेशन प्रोडक्ट आपको यहां ऑप्टेन होता है, जबकि SN2 पढ़ते हैं तो वहां इन्वर्जन हो जाता है प्रोडक्ट का, तो वहां इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूगरेशन प्राप्त होता है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये मेरे पास में कोई है R1 और यहां मैंने लगा दिया कोई, ये वेज पोजीशन है, इस वेज पोजीशन पे R2 और यहां मैंने लगा दिया डेज पे R3 और यहां मैंने जोड़ दिया कोई आपका OH। इसकी रिएक्शन यदि अपन करवाते हैं SOCl2 के साथ में तो क्या होगा, यहां पर यहीं पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यानी जो Cl आके जुड़ेगा वो यहीं आके जुड़ेगा। तो ये R1 था, इसके अलावा आपका वेज पे क्या था, वेज के अपन बात करेंगे तो R2, डेज पे था आपका
R3 और आपका यहां क्या जुड़ा KCl जुड़ा। इसमें जो मैकेनिज्म ऑपरेट हुई आपकी वो कौन सी हुई, SNI मैकेनिज्म ऑपरेट हुई। चलिए इसकी देखते अपन क्रियाविधि, क्रियाविधि किस प्रकार होती है, आइए देखिए। देखो क्या होगा कि आपका कोई एल्कोहल है, ये स्थायोनिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करता है, तो किस प्रकार इसकी मैकेनिज्म होती है, क्योंकि मैकेनिज्म यदि आपको आती है तो फिर आप कोई भी रिएक्शन आसानी से लिख सकते हो। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए क्या होगा, आपका होगा एल्कोहल, समझ गए मेरी बात को, ये एल्कोहल क्रिया करेगा स्थायोनिल क्लोराइड के साथ में। अब यहां पर आपको पता है लोन पेयर उपस्थित होते हैं, तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देने के कारण अभी यहां पर क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम पर जो लोन पेयर है इस सल्फर एटम पर अटैक करेंगे, जैसे अटैक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, समझ गए। ये बताने जा रहा हूं कि आपको मैकेनिज्म या क्रिया विधि। अब क्या कंडीशन होगी, देखो ये जो ऑक्सीजन एटम आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण बताओ यहां पर चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो क्या बना, ROH, चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया। अब देखना यहां पर SO- क्या है, यहां आपका Cl है और यहां आपका क्या है, Cl है, इतना समझ गए। अब क्या होगा, देखिए आप यहां पर लोन पेयर दर्शा सकते हो, इधर भी लोन पेयर होता है आपको पता है, और यहां भी कितने लोन पेयर होंगे, तीन लोन पेयर होंगे। आपको क्या करना है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस क्लोरीन वाले बॉन्ड को यहां से टूटना पड़ेगा, यानी यहां से बाहर क्या निकल गया, आपका Cl- बाहर निकला। चलिए अब आगे क्या बना, अब आगे जो बना उसको आप इसे बना सकते हो, आर ओ पॉजिटिव चार्ज, एस एस डबल बॉन्ड ओ, और यहां क्या आ गया, आपका Cl आ गया, इस बात को समझ गए। अब क्या होगा, देखिए ये आपका प्रोडक्ट बना यहां पर, इस पर क्या होगा, आपका कोई Cl- अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे ही यहां पर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, हुआ शिफ्ट, ये शिफ्ट होने पर देखो यहां से क्या बन गया, RCl बन गया, तो आपका एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त हो गया। इसके अलावा क्या क्या बचा, यहां आपका यहां बचा HOSOCl, क्या बना देखो, और देखो इधर देखना ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर शिफ्ट हो गए, इसका मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज हट गया, पॉजिटिव चार्ज हटा, अब आप लिख दो इसको HOSO, अब क्या होगा, ये जैसे अटैक करेगा इस पर तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, क्या बना आपका SO2 आपका बन गया HCl, ये दोनों कैसे बनते हैं आपके, गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पर आपने क्या देखा कि आपका जो प्रोडक्ट बना आपका ये एक RCl बन गया, समझ गए मेरी बात को, और वो RCl है वो कहां बना, जब इसने यहां पर अटैक किया इस सल्फर एटम, मैंने बोला कि इसमें SNI मैकेनिज्म प्रोसीड होती है वो इस प्रकार होती है, यदि आपको मैकेनिज्म आती है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके एग्जांपल करते हैं कुछ SNI मैकेनिज्म की, देखिए एग्जांपल की बात करते हैं। देखो जैसे मेरे पास में कोई फीसर प्रोजेक्शन में कोई दे रखे है, यहां R4 दे रखा है और यहां OH दे रखा है, इसकी रिएक्शन करवाई SOCl2 के साथ में, यदि आपको कुछ नहीं दे रखा है, एरो वगैरह पे पिरिडीन भी नहीं दे रखा है, पिरिडीन यदि दे रखा होगा तो वहां पर जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगी वो होगी SN2, तो यहां पर आपको पता है मैकेनिज्म कौन सी होगी, SNI होगी, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट होगा आपको कैसा प्राप्त होगा, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन प्राप्त होता है, क्या बन जाएगा आपका R1 बन जाएगा, आपका R2, आपका R3, और यहां क्या आ जाएगा, OH के स्थान पर आपका Cl आ जाएगा। एक इसी प्रकार क्या होगा, जैसे ये R1 है, यहां R2 है, यहां OH है, यहां R3 लगाया मैंने, यहां R4 लगाया, यहां यहां लगा दिया मैंने R5, यदि इसकी रिएक्शन मैंने करवाई SOCl2 के साथ में, यहां भी आपको पता है SNI मैकेनिज्म प्रोसीड होगी, जिसके कारण ये OH है ये Cl- नाभिक संयोग के द्वारा आसानी से हट जाएगा, क्या बनेगा आपका यहां
आर वन बन जाएगा, आर टू बनेगा, आर थ्री, आर फोर, आर फाइव और यहां क्या जाएगा सीएल। तो यानी जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका जब आप कॉन्फिगुरेशन देखोगे, इसका मतलब कैसे प्राप्त हो रही है, रिटेंशन इन कॉन्फिगुरेशन। ये तो अपन ने बात की एसएनआई मैकेनिज्म की, समझ गए। इसी प्रकार जैसे यहां पर ये मेरे पास में दे रखा है सीओ सीएल, इसको क्या बोला जाता है, बेंजोइल क्लोराइड बोल सकते हो आप इसको। ये अपने को प्राप्त करना है, सॉरी ये हो गया आपका रिटेंशन इन कॉन्फिगुरेशन। इसी प्रकार यदि मेरे को दे रखा हो COOH, आप यहां से भी बना सकते हो प्रोडक्ट। क्या करना आपको, इस OH के स्थान को हटाना है और आपको क्या लगाना है, यदि SOCl2 दे रखा हो तो आप यहां से बना दोगे आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आई बात समझ में, तो ये आपका हो गया SNI मैकेनिज्म। अब अपन बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की। SN2 मैकेनिज्म के द्वारा किस प्रकार थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट करता है, आइए देखो। SN2 मैकेनिज्म है वो हमेशा पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। SN2 मैकेनिज्म होगी आपकी पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी। कैसे होगी देखना, यहां लिख देता हूं मैं SN2 मैकेनिज्म, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, पिरिडीन जिसको आपको कई जगह ऐसे मिल सकता है C5H5N, और इस PY को क्या बोला जाता है, पिरिडीन। इसके स्ट्रक्चर यदि आप देखते हो तो आपको ये मिल जाती है, यहां नाइट्रोजन और ये आ जाएगा। आई बात समझ में, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर उपस्थित है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड नहीं है, क्योंकि यदि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो सिस्टम की एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, इसलिए यहां पर ये कैसा है, आपका एरोमेटिक सिस्टम हो गया। बात करेंगे अपन इसकी और विस्तार से, एरोमेटिसिटी जहां पड़ेंगे वहां पर। चलिए आई बात समझ में, अब आपको करना क्या है, जैसे अपने पास में ये कोई दे रखा है एल्कोहल दे रखा है, और इस एल्कोहल पे मैंने ये जो पोजीशन बनाई है, कौन सी पोजीशन बनाई है, वेज पोजीशन बनाई है। अब इस पर जब क्रिया होगी SOCl2 की और पिरिडीन की प्रेजेंस में यदि अपन क्रिया करवाएंगे तो यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूगरेशन आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूगरेशन। इन्वर्जन इन कॉन्फ्यूगरेशन का मतलब क्या हुआ, जिसे ये आपको प्राप्त हुआ बेच पे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको कहां मिलेगा, वो डेस्क पे मिलेगा आपको। तो देखिए ये आपको यहां मिलेगा डेस्क, और डेस्क पे मैं यहां क्या लगा दूंगा, सीएल लगा दूंगा, और आपके SO2 है, आपके HCl है, वो गैसीय अवस्था में बाहर निकल जाएंगे। और मैंने बोल रखा आपको कि ये जो मैकेनिज्म आपको दिखाई देती है एल्कोहल के साथ में यदि रिएक्शन होती है, यदि आप गोल्ड ग्लास की बात करते हो तो वहां पर ये रिएक्शन आती है, SN2 मैकेनिज्म आपको देखने को मिलती है। चलिए यदि वो पिरिडीन की उपस्थिति में हो रही है तब, तो यहां पर अपन ने देखा कि इन्वर्जन इन कॉन्फिगुरेशन हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखना, इन्वर्जन इन कॉन्फिगुरेशन का मतलब कतई ये नहीं है कि आपसे आर से आर मिले, आपको एल से एस मिले, आपको डी से डी मिले, आपको एल से एल मिले, इसका मतलब कदे ये नहीं होगा, ठीक है, कतई ये नहीं होगा इसका मतलब भी। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आपने पढ़ी थी SNI की मैकेनिज्म, बस वैसी है। बस इसमें जो आपको प्रोडक्ट ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, वो प्रोडक्ट आपका बनेगा इन्वर्जन इन कॉन्फिगुरेशन। सबसे पहले क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म यदि अपन करवाते हैं तो मैकेनिज्म के दौरान आपका यहां पर होगा ये कोई OH ग्रुप, और OH ग्रुप कहां पर है, OH ग्रुप आपका लगा हुआ है आपके पोजीशन कौन सी,
वेज पे लगा हुआ है। वेज का मतलब जान गए, आपके सामने की ओर है, यानी दृष्टा या प्रेक्षक की ओर है। SOCl2 है यहां पर, ये भी आप जानते हो। अब क्या होगा, जैसे ही इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस सल्फर एटम पे। सल्फर एटम पे अटैक करने के कारण ये जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर आपके इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण सल्फर और इस ऑक्सीजन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। और आपको पता है यहां पर क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण यहां पर चार्ज क्या आएगा ऑक्सीजन एटम पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, देखिए एच ओ यहां क्या लगा दिया मैंने, देख पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज, समझ गए मेरी बात को। चलिए फिर आपको पता ही है यहां पर क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये यहां पर क्या उपस्थित है, इस वेज पे उपस्थित है, और वेज हो गया आपका ये CH2, ये CH2 और ये CH3, और उधर क्या है, CH3 है। यहां तक समझ गए मेरी बात को। चलिए अब देखो, इस ऑक्सीजन और इसके मध्य ये एच लगा दिया मैंने, इस सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य एक नया बॉन्ड बना, तो सल्फर और ऑक्सीजन के मध्य अपन ने बना दिया एक नया बॉन्ड। आई बात समझ में, ये बन गया एक नया बॉन्ड। नया बॉन्ड बनने के बाद आपने क्या देखा, देखो सल्फर है ऑक्सीजन पे, यहां पर माइनस हो गया। अब क्या है, यहां आपका सीएल यहां लगा हुआ है, एक सीएल यहां लगा हुआ है, यहां पर किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या नहीं है। फिर क्या होगा, आगे रिएक्शन होगी, इसमें रिएक्शन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होने पर एक सीएल माइनस आपका यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा क्या बनेगा आपका, देखिए ये बन जाएगा ये वेज पोजीशन आपकी, और इस वेज पोजीशन पे आपका एच ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये सल्फर। अब देखो यहां पर पाई बॉन्ड हो जाएगा, और यहां क्या लगा दूंगा मैं, एक सीएल लगा दूंगा, यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक नाभिक नहीं आएगा, और नाभिक नहीं कौन आएगा, एक सीएल माइनस आएगा। वो सीएल माइनस आके इस कार्बन पे अटैक करता है, जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट होंगे। आई बात समझ में, अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ऑक्सीजन के दो थे ना इलेक्ट्रॉन या लोन पे इधर शिफ्ट हो गए, तो देखो क्या बन गया यहां पर, समझ गए मेरी बात को। चलिए तो यहां पर क्या बना आपका, एक तो बन गया आपका HCl, एक आपका क्या बन गया SO2, और ये Cl आके जुड़ गया। अब Cl देखो, Cl ने कहां से टेक किया है, इससे पीछे से बैक साइड से टेक किया है, इसी को क्या बोला जाता है, इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन। आप पढ़ते हो SN2 मैकेनिज्म में, वाल्डन प्रतिपन होता है, वाल्डन प्रतिपन क्या होता है, बैक साइड से टेक करता है। आ रही मेरी बात समझ में, कोई आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, वहां पर सेम प्रोसेस यहां हो रही है, इसने अटैक किया यहां से, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, यहां से SO2 निकला बाहर, आई बात समझ में, और आपका क्या निकल गया बाहर, HCl। तो यहां HCl बाहर निकला, यहां आपका SO2 बाहर निकला। ठीक है, अब क्या बन गया आपका, जो प्रोडक्ट आपका ऑप्टेन हुआ वो डैश पे ऑप्टेन होगा, ये आपका Cl, इसी को आप क्या बोलते हो, इनवर्जन इन कॉन्फिगुरेशन, इनवर्जन इन कॉन्फिगुरेशन। शायद इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए इसके करते हैं अपन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करेंगे, नोट कर लिया आपने तो आप क्वेश्चन आराम से खुद से लगा सकते हो, खुद से लगाने में इतना है कि आपको पीरियडिन वहां देखने को मिलेगा, SN2 मैकेनिज्म है उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। ये मैं फिशर ले रहा हूं और ये हो गया आपका OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई SOCl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पीरिडिन। तो आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा R1, यहां आ जाएगा आपका R3, और आपका जो एल्किल ग्रुप आएगा वो यहां आएगा। अब पता चल गया आपको कैसे हो रहा है, जो प्रोडक्ट हुआ आपका वो आपको प्राप्त हो गया इनवर्जन इन कॉन्फिगुरेशन।
और मैंने बोला था ना कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है, उसका मतलब है मैंने बता रखा है क्या नहीं होगा। यहां पर यदि आपको OH दे रखा है, ये R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये आपका कोई R5 है। चलिए SOCl2 लगाइए क्वेश्चन और मेरे को आंसर बताइए, देखिए वीडियो को पॉज करके। कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो OH होगा यहां पर क्या जाएगा आपका Cl आएगा, कि मैंने बोला था वो बैक साइड में लगाना है। यदि यहां पर मान लो मेरी पोजीशन यदि वेज होती तो Cl आपका कहां लगता, डेस पे लगता। इस बात को शायद आप समझ गए होगे बखूबी से, ठीक है। क्या करोगे, यहां आप लगा दोगे Cl, यहां आपका आ जाएगा R2, बाकी के ग्रुप जैसे थे वैसे के वैसे रहने वाले है, R3, R5, R4 और ये आपका R। तो ये दोस्तों अपन ने आज बात की थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस, और उस समय जो SNI मैकेनिज्म ऑपरेट होती है और SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है उसके बारे में। यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है तो उसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।